हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज का हमारा चैप्टर है एनालॉगी, जिसका करने जा रहे हैं हम पार्ट सेकंड। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। सो, ये थे वो 9 टाइप्स एनालॉगी के, जिसमें से हम फर्स्ट 5 कर चुके हैं और आज हम लास्ट के 4 पार्ट्स करने जा रहे हैं। ये रही टाइप 6। टाइप 6 है हमारी डिटेक्टिंग एनालॉगीज, यानी हमें 3-4 वर्ड्स दिए होंगे, उनकी हमें डिटेक्ट करनी पड़ेगी, उनकी टाइप क्या है या उनकी क्लास क्या है, उसके बेसिस पे हमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ट्राउज़र, कोट, जीन्स। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें देखना होगा कि हमारे क्वेश्चन में दिए हुए 3 वर्ड्स इन 4 ऑप्शन में से किस क्लास में या किस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है मैन, दूसरा ऑप्शन है फैब्रिक, तीसरा है ड्रेस, चौथा है कॉटन। ट्राउज़र, कोट और जीन्स एक आदमी भी पहन सकता है और औरत भी पहन सकती है, तो ऑप्शन ए तो वैलिड नहीं रहा। ठीक है, पार्ट सेकेंड देखते हैं फैब्रिक। फैब्रिक यानी कपड़ा, ट्राउज़र, कोट, जीन्स तीनों कपड़े हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पॉसिबल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन आ गया ड्रेस, तो ट्राउज़र, कोट, जीन्स ड्रेस का एक पार्ट है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन आ गया कॉटन, तो ज़रूरी नहीं है ट्राउज़र, कोट और जीन्स जो है वो सिर्फ कॉटन की ही बनी हो। ठीक है, तो हमें अब बी और सी यानी कि फैब्रिक और ड्रेस में से ऑप्शन देखना है। अब एक चीज़ देखिए, जो ऑप्शन बी है हमारा फैब्रिक, फैब्रिक यानी कपड़ा, कपड़ा जो है वो कोई और भी हो सकता है, जैसे गाड़ी साफ करने का कपड़ा, या फिर किसी चीज़ को ढकने के लिए भी हम कपड़े का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेड पर जो बेडशीट बिछाते हैं वो भी कपड़ा ही है, तो फैब्रिक में कुछ भी आ सकता है। इस जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ट्राउज़र, कोट, जीन्स, उसकी एक ज़्यादा डिफाइंड कैटेगरी क्या है, ज़्यादा डिफाइंड कैटेगरी है ड्रेस की। जब हमारे पास एक ज़्यादा डिफाइंड कैटेगरी दी हुई होती है तो हम हमेशा उसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यानी अगर हमारे पास ऑप्शन में ड्रेस नहीं होता तब हमारा फैब्रिक जो है वो ठीक आंसर होता, पर हमारे पास उसकी एक ज़्यादा डिफाइंड कैटेगरी आ गई जो कि 3 ड्रेस, तो हमारा राइट आंसर होगा ड्रेस। अब ये वाला क्वेश्चन है प्योरली आपकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी आते हैं जो आप प्योरली आपकी जनरल नॉलेज पे बेस होते हैं। आप बेशक टाइप को डिटेक्ट कर लोगे पर आपकी जनरल नॉलेज नहीं होगी कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है पारादीप, हल्दिया और कांडला। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिप, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज या फिर पोर्ट्स। ठीक है, तो जिन बच्चों की जनरल नॉलेज ठीक होगी, जिन्होंने ये चीज़ पहले पढ़ी होगी, तो उन्हें पता होगा कि इंडिया के 9 या 10 मेजर पोर्ट्स हैं, में से ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं ये 3 पोर्ट्स भी हैं। तो जिन बच्चों को पता होगा ये पोर्ट्स हैं, सिर्फ वही बच्चे इस आंसर को मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आता है प्रदीप, हल्दिया और कांडला जो हैं इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आ गई हमारी टाइप 7 3 वर्ड एनालॉगी। इसमें क्या हो सकता है, इसमें किसी एक वर्ड का 2 वर्ड्स के साथ रिलेशन दिया हो सकता है, या फिर तीनों वर्ड्स का भी आपस में कुछ रिलेशन हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, पर इसमें 3 वर्ड्स दिए होंगे। तो करते हैं हमारी एग्जांपल। एग्जांपल कह रही है डॉग, हॉर्स, टेल। ठीक है, अब आप कहोगे डॉग, हॉर्स तो ठीक है, ये एनिमल्स है, अब टेल कहाँ से आ गई। ठीक है, तो यही होता है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो तीसरा पार्ट है टेल, ये पहले 2 पार्ट से कैसे रिलेट हो रहा है, कि आप जानते हैं डॉग की भी टेल होती है और हॉर्स की भी टेल होती है, यानी फर्स्ट पार्ट भी थर्ड पार्ट से रिलेट हो रहा है, सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट से रिलेट हो रहा है। जो थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है वो फर्स्ट और सेकेंड वाले का एक बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है जो जिसमें थर्ड पार्ट जो होगा वो फर्स्ट और सेकेंड का कोई एक बॉडी पार्ट होगा या कुछ भी एक हिस्सा होगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है कार, बाइक, व्हीकल। कार भी व्हीकल है, बाइक भी व्हीकल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का थर्ड के साथ रिलेशन है, पर व्हीकल जो है एक कैटेगरी है, व्हीकल पार्ट नहीं है। ठीक है, व्हीकल एक कैटेगरी है, इसलिए ये जो आंसर है हमारा, ये ऑप्शन जो है ये वैलिड नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं चेन, रिंग, बॉडी। चेन, रिंग, बॉडी और इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बना, तो ये वाला नहीं है। बाइट, हर्ट, पेन। ठीक है, अगर आपको कोई बाइट करता है या फिर आपको कोई हर्ट करता है तब भी आपको पेन होती है, बट जैसा मैंने आपको बताया जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हिस्सा होना चाहिए, तो ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये एक इवेंट है, यानी जैसे किसी ने आपको काटा है या फिर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है उसके बाद आपको दर्द हुई है, एक इवेंट का रिजल्ट है, ये हिस्सा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ट्रक, स्कूटर, इंजन। तो ये ऑप्शन काफ़ी हद तक हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, कैसे, ट्रक में भी इंजन होता है, स्कूटर में भी इंजन होता है, और इंजन जो है ट्रक और स्कूटर का पार्ट भी है, ट्रक और स्कूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं तो उसमें से एक पार्ट इंजन भी है, वैसे ही डॉग और हॉर्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें से एक ऑर्गन टेल है।
तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी। यह आया सेकंड क्वेश्चन, इसमें दिया गया है हंट प्लेजर पेन। अब इसका कैसे रिलेशन निकलेगा, हंट यानी शिकार करना, ठीक है, तो शिकार जिसने किया उसको प्लेजर मिलता है, ठीक है, बेशक किसी की जान जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता जो शिकार करते हैं, ठीक है, शिकार जिसने किया उनको प्लेजर मिला और जिसका हुआ उसको पेन मिली, जिसका हुआ उसको दर्द होती है ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई आपके पेट में जाके तीर घुसा देगा तो आपको दर्द ही होगी, ठीक है। तो हमारे पहले ऑप्शन पे आते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है थेफ्ट लॉस गेन, ठीक है, जिसने चोरी की। अब मैंने आपको पहले चीज़ बताई कि क्वेश्चन कह रहा है जिसने किया उसको पहले मज़ा आया, जिसके साथ हुआ उसको दर्द हुई, तो पहले हम देखेंगे जिसने किया वो वाला ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पे चोरी की है, चोरी जिसके साथ होती है उसको लॉस होता है और जो करता है उसको गेन होता है, ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन ठीक है, पार्ट वैसे ही बन रहे हैं पर उस सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में हमारा क्वेश्चन है। तो सेकंड ऑप्शन दे पे आते हैं थेफ्ट गेन लॉस, चोरी जो करता है उसे गेन होता है, जिसकी होती है उसे लॉस होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा काफ़ी हद तक हमारे क्वेश्चन के जो डिमांड है उसको मीट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन आ गया बैंक मनी लोन, ये तो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फोर्थ ऑप्शन आ गया मनी रिच पुअर, मनी जिसके पास होती है वो अमीर होता है, जिसके पास नहीं होती है वो गरीब होता है, ये वाला ऑप्शन भी काफ़ी हद तक ठीक है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा रिलेट कर रहा है। तो देखिए हंटिंग एक इवेंट है, यानी आप कुछ एक्शन कर रहे हो, वो एक्शन करने के बाद आपको प्लेजर मिल रहा है और वो एक्शन जिसके साथ हुआ है उसको पेन मिल रहा है। वैसे ही थेफ्ट एक इवेंट है, आपने चोरी की आपको गेन हुआ, जिसके साथ चोरी हुई उसको लॉस हुआ। अब ऑप्शन डी को देखें तो मनी जो है वो कोई इवेंट नहीं है, जिसके पास होगी वो अमीर होगा, जिसके पास नहीं होगी वो गरीब होगा। फर्स्ट पार्ट जो है इसका सेकंड और थर्ड पार्ट से मेल कर रहा है, पर हमने देखना था, हमें चाहिए था ज़्यादा प्रिसाइज ऑप्शन, तो वो है थेफ्ट गेन लॉस, क्योंकि मनी जो है वो कोई इवेंट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब आते हैं टाइप 8 नंबर एनालॉगी, इसमें क्या होगा, नंबर की कोई सीक्वेंस दी होगी, हमें पैटर्न देखना है और पैटर्न को डिकोड करके आंसर देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला आ गया 3:11, 3:11 में जैसा रिलेशन में होगा वैसा ही 7 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसके साथ होगा। तो 7 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज़ पता लगाने के लिए हम 3 का 11 के साथ रिलेशन देखेंगे। तो ये प्योरली मैथमेटिक बेस्ड है, तो क्लियर सी बात है इसमें 4 ऑपरेशन यूज़ होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो हमने पहला ऑपरेशन लगा के देखा प्लस का, 3 में कितना प्लस करोगे कि 11 आएगा, 3 में 8 प्लस करोगे तो 11 आएगा, यही लॉजिक हमने 7 पे अप्लाई किया। तो 7 में जब हमने 8 ऐड किए तो हमारे पास 15 आया, पर चारों ऑप्शन में से 15 कहीं भी नहीं है, यानी प्लस वाला तो जो हमारा मेथड था वो ठीक नहीं बैठा। प्लस वाला ऑपरेशन फॉल्स होने के बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, पर 11 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो हम उसके 11 के नियरेस्ट नंबर पर तक जाएंगे। तो 3 3 9 होता है हमें पता है, और 9 में 2 ऐड होगा तो 11 बन जाएगा, तो इस ऑपरेशन में मल्टीप्लाई भी आ गया प्लस भी आ गया। तो हमने यही लॉजिक लगाया 7 पे, 7 के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया जैसा कि हमने 3 के साथ किया था, तो ये करने के बाद हमारा आंसर आया 23, पर 23 तो हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल ही नहीं है। अब हमारा प्लस माइनस का ऑपरेशन भी चला गया और मल्टीप्लाई डिवीजन का भी किया, तो यानी कि होना तो कुछ ऐसा ही है और आंसर भी इसी से ही आना है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ किया 3:3, यानी 3 तो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल था, जो दूसरा हमने 3 लगाया वो 3 के सिमिलर ही तो है, तो हम एक ऑपरेशन ये लगा के देख लेते हैं कि 7 के साथ 3 ना मल्टीप्लाई करके नंबर इटसेल्फ यानी कि 7 को ही मल्टीप्लाई करें। जैसे 3:3 है यानी 3 के साथ वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो वो खुद है, वैसे ही 7 के साथ हम वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 7 खुद है यानी 7। तो 7:7 किया हमारे पास आया 49, उसमें 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 51, तो क्लियरली 51 हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है हमारा, एक से ज़्यादा ऑप्शन किसी पैटर्न पे सेट बैठ रहा हो, हमेशा एक ही ऑप्शन होगा जो पैटर्न पे सेट बैठ रहा होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 51, विच इज़ ऑप्शन डी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 98:49, तो हमें क्वेश्चन मार्क का रिलेशन निकालना है 86 के साथ। तो ये क्वेश्चन तो पहले ही अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि 98 का सीधा सीधा हाफ दिख रहा है हमें 49, तो क्वेश्चन मार्क की जगह वो नंबर आएगा जिसका हाफ होगा 86, तो
इसको हम रिवर्स कर दें अगर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह वो नंबर आएगा जो 86 का डबल होगा, ठीक है। 86 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 172, विच इज़ ऑप्शन सी। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ कराऊंगा, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहे हैं पर उनके ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं, अब देखना कैसे। पहला वाला क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन वही है 25:125, 36 का हमें रिलेशन निकालना है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो केस वन हमने देखा 25 का रिलेशन क्या है, 25 में जब आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 125 आएगा। तो 36 पे भी हमने सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, 36 पे हमने जब 5 मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 180 आ गया, ठीक है। और 180 हमारा क्लियरली ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25:125, 36 का हमें उसके साथ रिलेशन निकालना है। केस वन जो है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तो 36:5 वाला ऑपरेशन लगा के 180 ले आए, तो 180 तो इसमें दिख ही नहीं रहा, मतलब इसके लिए डेफिनेटली कुछ और मेथड लगना है। अब केस वन में हमारे पास 25 था, उसको हमने ब्रेक कर दिया 5:5 में, तो 5:5:5 हमारे पास आ गया 125, ठीक है। अब केस वन में ही देखिए, जो 36 था उसको हमने ब्रेक कर दिया 6:6 में, पर जब हमने 6:6:5 किया तो हमें केस वन में दिख रहा था 180, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन का ही आंसर था, पर इसमें तो 180 है ही नहीं। यानी कि ऊपर वाला पार्ट के हिसाब से, अगर ऊपर वाले पार्ट में 5 का क्यूब है तो नीचे वाले पार्ट में 6 का क्यूब आएगा, यानी कि ये वाला रिलेशन बन रहा है क्यूब्स का। जब इधर 6 का क्यूब आएगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 216, जो कि ऑप्शन ए हमें क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपने देखा कि सेम क्वेश्चन के दो डिफरेंट आंसर आए, कैसे? डिफरेंट लॉजिक्स लगा के। और मैं आपको एक बार फिर चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था, इस पे दो लॉजिक लग रहे थे और दो डिफरेंट आंसर आ रहे थे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों आंसर एक ही क्वेश्चन के लिए एग्जिस्ट करते हो। यानी अगर 180 ऑप्शन में होगा तो 216 कभी नहीं होगा, अगर 216 होगा ऑप्शन में तो 180 कभी नहीं होगा। अब ये आया तीसरा क्वेश्चन, 9:5:12। अब हमें इसी के पैटर्न को क्रैक करना है और ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमने देखा कि 9 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 15 आएगा, और 15 में आप 6 ऐड करोगे तो 21 आएगा, यानी कि प्लस 6 जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। अब हम प्लस 6 जो है वो अपने हर ऑप्शन में ऐड करेंगे और देखेंगे सही आंसर आता है कि नहीं। तो जब आप प्लस 6 हर ऑप्शन में ऐड करोगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आपका कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी प्लस 6 वाला तो फंडा जो है वो कैंसिल हो गया। तो यानी हम प्लस 6 वाला जो फंडा है वो छोड़ देंगे, हम ये फंडा अपनाएंगे कि सेम नंबर ऐड होना है। तो 4 में आप क्या ऐड करोगे, 8 बनेगा, तो 4 में आप 4 ऐड करोगे 8 बनेगा, ठीक है। अब 8 में भी 4 ही ऐड होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम नंबर की एडिशन हो रही है। जब हम 8 में 4 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 12, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 2 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 4, 4 में भी फिर 2 की ही एडिशन होनी चाहिए, पर 4 में तो यहाँ हो रही है 12 की एडिशन, तो ऑप्शन 2 भी हो गया गलत। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, 6 में हमने 6 ऐड किया तो बना 12, अब 12 में भी 6 ऐड होना चाहिए था, तो 12 में जब 6 ऐड होता तो बनता 18, पर यहाँ पर तो दिया हुआ है 20, तो ऑप्शन सी भी हुआ गलत। ऑप्शन डी आया कि 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, और 7 में हम 3 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। तो क्लियरली दोनों नंबर्स के बीच में 3 ऐड हो रहा है, तभी नेक्स्ट नंबर बन रहा है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही है, और यही वाला आंसर ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा। अभी आया आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 20:11 में जो रिलेशन होगा वही 102:2 क्वेश्चन मार्क में रिलेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम 20 से 11 जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का हमने जब ऑपरेशन लगाया, हमने देखा 20 से 11 के बीच 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो 20 से हमने 9 माइनस किए, हमारे पास आ गया 11। सेम ऑप्शन हमने 102 पे लगाया, तो 102 से जब हमने 9 माइनस किया, हमारे पास आया 93, तो 93 तो हमारे पास ऑप्शंस में है ही नहीं, तो क्लियरली सब्ट्रैक्शन वाला तो गलत हो गया, ठीक है।
अब क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही लॉजिकल ऑपरेशन बचा, वो है डिवीजन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे। 20 को डिवाइड किया हमने हाफ में, जब हमने 20 को डिवाइड किया हाफ में हमारे पास आया 10, 10 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 11। अब सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे 102 पे, जब 102 को हमने हाफ किया तो आया हमारे पास 51, और 51 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास आया 52, और क्लियरली 52 जो है हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 52। इसी के साथ हमारा एनालॉगी का पार्ट टू भी ख़त्म होता है। आज हमने किए 3 टाइप्स, कल हमने की थी 5 टाइप, तो टोटल हो गई हैं 8 टाइप्स। अब कल हमारे पास बची है सिर्फ एक टाइप, और उसी के साथ हमारा चैप्टर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।